टू फैमिली कैसे आप लोग, आज हम करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली रीडिंग गाइस। लेकिन मेरे को कार्ड्स निकालते समय एक वीडियो बना रही थी मैं शफलिंग के साथ, और बीच में कॉल आ गई तो मेरा रिकॉर्डिंग कट गया। तो मेरे पास अभी कार्ड्स रेडी है शफल्ड, मैं फिर से स्टार्ट की हुई है वीडियो। तो गाइस हम लोग देखते हैं DMDF और जर्नी की करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले DF की बात करते हैं, तो DF एक मिनट गाइस, DM की बात करते हैं। तो DM जो है, सबसे पहले बता दूं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अक्वायर कर रहे हैं, वॉक अवे करने का जो उन्होंने बनाया है उस चीज़ से बहुत सारी कार्मिक एंडिंग्स हो रही है वहाँ पर, और न्यू बिगिनिंग्स की तैयारी हो रही है। बट मुझे नहीं लगता कि DM मेंटली प्रिपेयर्ड है वॉक अवे करने के लिए। उनको एंजाइटी हो रही है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वो वॉक अवे करते करते भी पीछे देख रहे हैं कि कोई मौका है या नहीं। और मुझे एक बात और यहाँ पे लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव है DM, बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। वॉक अवे तो करना पड़ेगा, वॉक अवे उनके लिए ऑप्शन नहीं है। वॉक अवे उनका क्या कह सकते हैं, एक ज़बरदस्ती है जो उनको करना ही पड़ेगा, भले उनको अच्छा लगे ना लगे, उनको आगे मूव ऑन करना ही पड़ेगा। उनको अपनी लाइफ में जो है ये चैप्टर ख़त्म करना ही होगा, और उसमें से उनको कोई रिटर्न्स भी नहीं मिले, उन्होंने जितना भी दिया उसके बदले में। तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अब, लेकिन उनको स्ट्रेंथ आ रही है कि भाई एंड हो रहा है, तो हीलिंग कर रहे हैं वो कि भाई अगर इसको ख़त्म करके जाना होगा तो मेंटली रेडी जिसको होना है वो हो रहे हैं, यूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, ठीक है गाइस, तो वो दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप उनके ट्विन फ्लेम हैं तो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये सब करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नहीं है ये सब। इतने ड्रास्टिक स्टेप्स DM नहीं लेते गाइस, तो ये एक चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि DM जो है स्ट्रेंथ कर रहे हैं, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी स्ट्रेंथ की, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी जो भी अपना बचा कुचा है। देखिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग को वैसे भी कार्ड्स देखना पसंद है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो भी अपना बचा कुचा सामान है वो उठा के चल रहे हैं, लेकिन पीछे अभी भी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं पीछे? क्योंकि दो उनका कार्मिक के साथ बहुत बड़ा झगड़ा होके वो वहां से जाने वाले हैं, पर फिर भी वो लोग पीछे देख रहे हैं। यहाँ पे भी वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो दो वॉकिंग अवे के कार्ड कंफर्म करते हैं, लेकिन वो तभी भी पीछे देख रहे हैं। क्यों पीछे देख रहे हैं? कि उनको कभी कोई चांस है क्या कि रिकन्सिलिएशन का, उनकी मेहनत का फल उनको मिले, उन्होंने जितना इमोशनली मेंटली इन्वेस्ट किया है वहाँ पर, तो आगे बढ़ भी रहे हैं तभी भी पीछे पीछे देखते देखते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ऐसे नहीं हो सकता, मैंने इतना एफर्ट्स डाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसके लिए मैंने ऐसा किया, इसके लिए मैंने ऐसे किया। DF कभी नहीं देखती ऐसा, DF जो है मैं जो भी जिसके लिए भी किया हो छोड़ो, जाने दो और आगे बढ़ जाओ। DF कभी नहीं सोचती कि मैंने इसके लिए ऐसा किया तो खाली कैसे जा सकता है हमेशा। और अगर आप लोग को ऐसा फील होता है तो हमेशा ये बात जो बहुत कॉमन है वो याद रखना, ये सेइंग, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, श्री कृष्णा ने खुद कहा है ये, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और DM को ये लेसन सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे DF की बात करें तो DF जो है बहुत ज़्यादा अपने पावर में दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, पास्ट को पास्ट में छोड़ने की बातों में ज़्यादा इंटरेस्टेड। DF को भी ऐसा लग रहा है ठीक है ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया, मेरा DM कार्मिक के साथ बंधा हुआ है, कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है मेरे को और थर्ड पार्टी में नहीं रहना वहाँ पर, तो ठीक है जो भी है, जो भी भगवान चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड अभी DM आए ना आए, कुछ हो ना हो, है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है DM आता है तो डोमिनेट ही करता है, पनिश ही करता है, अपनी ही चलाता है हमेशा, हमारी तो सुनता भी नहीं है। जिस रीज़न के लिए हमको DM अपनी लाइफ में चाहिए वो तो यहाँ पर रीज़न का नामो निशान तक नहीं है, वो प्यार है ही नहीं, बस अपने हिसाब से सब सही गलत चलाते रहते हैं।
तो इसीलिए डीएफ को ऐसा लग रहा है कि ठीक है गया तो गया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी डीएस है, बहुत सारी डीएस को इस बात से ट्रिगर भी होगा, लेकिन बहुत सारी डीएस है जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है गया तो गया, क्या ही कर सकते थे हम, और हमको शांति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पास्ट को मिस कर रही है, फोटोज देख रही है, बट बहुत सारी डीएस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई हमको शांति खुशी चाहिए, और हम लोग सेल्फ लव में है वो, और जानते हैं कि वो कुछ बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करते हैं, है ना। तो ये चीज जो है डीएम को एक बहुत ज्यादा खटक सकता है कि अरे ये तो लिजर्ड की तरह है, है ना, कमेलियन बोलते हैं ना जिसको, जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, कभी हम लोग के साथ थी, कभी अभी इसको कहीं और चली गई है, या ये चीज जो है बहुत सही तरीके से नहीं ली जाएगी डीएम के इसमें। बट बहुत सारी डीएस को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सही से ले ना ले, वो कुछ भी सोचे, हमको जो है डोमिनेशन नहीं चाहिए। अब डीएसओ जो रिलेशनशिप पास्ट में था, वो रिलेशनशिप पास्ट में था, सोचकर वो फाउंडेशन ही कमजोर था, सोचकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रही है। जर्नी क्या लेकर आ रहा है, जर्नी हीलिंग लेकर आ रहा है, बहुत ज्यादा हीलिंग। अगर आपको एंजाइटी है इस बात को लेकर, अगर आप बहुत ज्यादा इनडिसिशन में थे कि अपने डीएम को छोड़ के जाए कि नहीं जाए, तो वो चीज के लिए हीलिंग मिल सकती है आपको। कार्मिक कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है, ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन बहुतों के साथ आपकी कार्मिक कन्फ्रंटेशन होगी, बट वो कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा शांति लेकर आएगी आपके मन में। आपको डिसीशन अगर नहीं हो पा रहा था डीएम का भी, तो वो कार्मिक और डीएफ के बीच, तो अब डीएम को कन्फ्रंटेशन फेस करना होगा, और उसके बाद उसको शांति से पता चल जाएगा कि भाई मुझे यूनियन की तरफ जाना है। बट डोर टू हैप्पीनेस मेरा कहाँ है, वो डीएम को डिसीशन पता चल जाएगा। लेकिन ये डीएम के लिए अच्छा है, डीएफ के लिए अच्छा है या नहीं, वो हर एक के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप लोग को लगता है अरे हमारे लिए अच्छा है, और हम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर हमको डीएम चूज करेंगे, तो ये रीडिंग गाइस आपके लिए है भी नहीं, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इनडिसिशन में है कि भाई हम क्या करें, और हम मूव ऑन करें कि यहाँ रहे, कि यहाँ पे रहने का कोई फायदा है, या डीएफ जो सोच के बैठी हमको इधर कुछ नहीं लेना देना, हमको इधर से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और हम बहुत वेट कर चुके, बहुत साल इंतजार कर चुके। तो उन लोगों के लिए शांति लेकर आने वाला है ये जून का एनर्जी, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपका एंड, मतलब एंड बोल रही हूँ मैं, यूनियन में होगा या सेपरेशन में होगा। देखो सेपरेशन एक एंड नहीं होता इस कनेक्शन का, लेकिन अभी के लिए इसको यही समझ के चलना पड़ेगा हमको। और देखते हैं गाइस एक सॉन्ग जो हमें और ज्यादा क्लैरिटी देगा कि डीएम का करंट एनर्जीज और डीएम के क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए गाइस मैम नहीं हूँ गाइडेड, तो मैं नहीं लेने वाली, ये ऐसे ही है, बीच बीच में से खुल के आ गए हैं। और तीन गाने दिए हैं, एक काश काश यू होता हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल न यू रोता हर शाम साथ तू होता, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, नजारा हो तेरा ही नजारा अब हर दिन है लगता, हाले दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता। अब उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपको, दो वो अपना बना बनाया छोड़कर आपके पास आने में बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बिकॉज उनको ये आपके पास आने की खुशी से ज्यादा पास को छोड़ना पड़ेगा और फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसकी एंजाइटी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम अब तेरे बिन लागे ना एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तो बहुत ज्यादा मतलब यू नो कहीं ना कहीं ऐसा आपको दिखाएंगे अंदर से, तो इतना फील नहीं करेंगे जितना आपको दिखाएंगे कि भाई नहीं नहीं आपके साथ ये रहना चाहता हूँ, बट अंदर से वो एंजाइटी की वहां पे मुझे कुछ नहीं मिला, मैं लूजर हूँ,
और बहुत कुछ उनको बहुत ज्यादा खटकने वाला है। तेरे बिना ना आए सुकून ना आए करार, मुझे दूर हो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। एक और बात बोलूंगी, अगर ऐसे एनर्जी में आपके साथ डीएम है ना, जब तक वो आपको कमिटमेंट नहीं दे देता कि भाई नहीं नहीं अब मैं इधर ही रहने वाला हूँ, फाइनल मेरे को इधर तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में है हम, या एक कमिटमेंट कि मैं तुमसे शादी करूंगा, एक वचन नहीं दे देता जब तक डीएम, तब तक वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको ऐसे ट्रीट ही मत करना कि भाई वो मेरे साथ है, जब तक आपको वो प्रॉमिस नहीं मिल जाता। एक प्रॉमिस रिंग होती है, तो इंगेजमेंट वाली रिंग जो आपको अगर नहीं मिले तो तब तक वो आपका नहीं है गाइस। क्योंकि डीएम जिस एनर्जी के साथ आपके पास आना चाहते हैं कि भाई मेरा उधर नहीं हुआ, और अगर थोड़ा सा भी आसरा वहां पे दिख गया, तो डीएम वचन के पक्के होते हैं। तो अगर वचन दे दिया है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा कमिटमेंट कर दिया है, इंगेजमेंट कर दी है, प्रॉमिस कर दिया है, मतलब किसी की भी कसम ले ली है, तो आप सेफ हो, वरना आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। ये बात आप याद रखना। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिशें मेरी कर दो ना पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल अफसाना, हर मुश्किल आसा हो जाती, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, ऐसा आपको दिखा सकते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं है कि वो करेंगे ऐसा, मतलब अंदर से करेंगे ऐसा, क्योंकि जो एनर्जी से वो आ रहे हैं उनका सोल ऐसा है कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। अच्छा तो उनको वैसे भी नहीं लग रहा है, बिकॉज उनको कार्मिक को छोड़ना पड़ रहा है और उनकी सारी बनी बनाई टावर गिर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वो यहाँ पर आएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक आपको कोई प्रॉमिस नहीं मिल जाती तब तक आप लोग अपना एनर्जी थोड़ा बहुत अपने तक ही रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।